हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड। और ये जो कंपनी है मेनली केमिकल सेक्टर में काम करती है। और इसका अगर करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 2881.95 रुपीज़ चल रहा है। तो चलिए इस कंपनी के बारे में और भी जानकारी लेते हैं और इस कंपनी आगे फ्यूचर में कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है और क्या कर सकती है इसके बारे में हम जानते हैं। और चलिए, अल्काइल अमाइंस केमिकल लिमिटेड जो कंपनी है ये अपने सेक्टर की लीडर कंपनियों में से एक आती है, केमिकल सेक्टर के लीडर्स में से एक आती है। और इस कंपनी का जो मेनली ये जो कंपनी है मेनली एलिफेटिक अमाइंस का जो है मैन्युफैक्चर करती है। एलिफेटिक अमाइंस का जो जो उसका प्रोडक्ट्स है और वो अमोनिया और बाकी जो दूसरे अमोनिया मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह सब कुछ जो मिथाइल और प्रोपाइल जो है वो अदर कंट्रीज़ में भी सेल करती है। और इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 14,738 करोड़ रुपीज़। करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 2,884 रुपीज़। इसने 52 वीक हाई लगाया था 4,033 रुपीज़ का और 52 वीक लो जो है इसका ये रिसेंट का है वो है 2,506 रुपीज़। और स्टॉक पी से काफ़ी अच्छी पोजीशन पर ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू से तो बहुत ही बेहतर है, डिविडेंड यील्ड भी इसका अच्छा है। और जैसे कि हम आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग भी इसमें बेहतरीन है 72% की। और यहाँ पे अगर डेप्थ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 22 करोड़ रुपीज़ का है। और डेप्थ टू अगर इक्विटी की अगर हम चेक करेंगे तो ये है 0.02%, यानी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है कंपनी। और टैक्स बचाने के लिए कंपनी को कर्ज़ा लेना पड़ता है, ये कॉमन बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर हम इसके प्रोज की और कॉन्स की बात करेंगे तो भाई गजब, यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रोज पूरा भरे पड़े हैं और कॉन्स कुछ भी नहीं है। कॉन्स में सिर्फ एक ही बात है कि बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है, जबकि यहाँ पे अगर प्रोज की बात करेंगे तो कंपनी ने अपना जो कर्जा है वो कम किया है और ऑलमोस्ट डेट फ्री है जैसा कि मैंने पहले कहा था। और 5 साल में जो है 34.8% का जो है सी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का इसने जो है इंटरेस्ट ले दिया हुआ है। आर ओ ई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी जो है अच्छे डिविडेंड के साथ साथ अच्छा क्वार्टर भी हम इसके एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसके बारे में हम नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो कंपटीटर्स हैं वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ और SRF गुजरात फ्लोरोकेम्स और सोलार इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल्स, आरती इंडस्ट्री और अल्काइल अमाइंस, ये सब के सब अपने सेक्टर के मार्केट लीडर्स हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे पैसा आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हम इसके सेल्स और एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये कंपनी ने जो है अपना जो सेल्स है वो इंक्रीज़ ही किया हुआ है और साथ ही साथ उनसे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज़ किया हुआ है। और लास्ट क्वार्टर में तो गजब ही कर दिया है कंपनी ने। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी जो है ग्रोथ ही कर रही है। और सबसे ज़्यादा फटका जो है इसे लॉकडाउन की वजह से लगा था, तब से लेके कंपनी अभी तक ये जो है अपने आप को खुद को सीधा ट्रैक पे लाते हुए आगे बढ़ रही है। तो अगर हम इसके प्रॉफिट और लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी चेक करेंगे तब भी हमें यहाँ पे भी जो है वो एस्केंडिंग पोजीशन ही दिखेगी। यहाँ पे कंपनी का जो रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ जो है ऊपर की ओर ही जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ते ही जा रहा है, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स में भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है। ये कंपनी जो है फ्यूचर में एक अच्छा मल्टीप्लायर बन के और भी साबित हो सकती है। 3 ईयर्स में कंपनी ने जो है एनुअल CAGR जो है स्टॉक प्राइस के हिसाब से वो 105% का है। और अगर इसके बैलेंस शीट की बात करेंगे तो कंपनी के पास जो फिलहाल रिजर्व है वो 980 करोड़ रुपीज़ का है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कंपनी अपने टैक्स बचाने के लिए जो है लोन उनको लेना ही रहता है तो वो बहाने से लोन ले लेते हैं। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 72% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास है और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास की हिस्सेदारी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बढ़ाई है, 2.28% की जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी है। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो हिस्सेदारी है वो 1.26% की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी हमेशा जो फ्लक्चुएट करते रहे हैं वो लोग कम या ज़्यादा मार्केट के हिसाब से।
और यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 24.46% की हिस्सेदारी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।